आज मेरे पास में दोस्तों आईफोन 11 जो कि मैंने 2019 में लॉन्च होते ही लिया था। यानी कि भाई अगर आप बात करते ना कि भाई आज मुझे एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन 11 सही रहेगा क्या? क्योंकि भाई कहते हैं ना कि आईफोन 5 या फिर 6 साल भाई बड़े आराम से चलता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन आज की डेट के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं सेकंड हैंड कोई भी स्मार्टफोन को, तो आपको कितनी प्राइस में लेना चाहिए, आपको वहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 3 या 4 साल के बाद में ये आईफोन आज भी कितना परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, कैमरा के अंदर, सारी जानकारी। ये वीडियो अगर आप लेते हैं सेकंड हैंड आईफोन 11 तो आपके भाई बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पुराने आईफोन के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपेयर, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो का भाई टारगेट है 500 लाइक का। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आईफोन का कैमरा, इसका कोई मुकाबला नहीं होता ना भाई। तो चलिए चेक करते हैं कि 2019 का स्मार्टफोन आज की डेट के अंदर कैमरा के अंदर आपका कितना साथ निभा पाएगा। अगर हम बात करते हैं सेंसर्स की, दो सेंसर है यहाँ पे, 12 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। और ये सेंसर भाई 4K 60fps, और अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर भी आपको 4K 60fps मिलता है भाई। यानी आप करते हैं ना व्लॉगिंग वगैरह, आप यार भाई साहब वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं भाई, मैं आपके सामने एक लाइव फुटेज यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अभी मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ भाई व्लॉगिंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो डिटेल है, आज के अगर कोई हम लेके आना एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, उसे भी यहाँ पर तगड़ी टक्कर दे सकता है भाई। एक नया लेटेस्ट स्मार्टफोन के टक्कर की क्वालिटी है यहाँ पर। और वीडियो रिकॉर्डिंग भाई 4K 60fps, फ्रंट के अंदर भी आपको यहाँ पर 4K 60fps जिसकी क्वालिटी भाई साहब बहुत ज्यादा तगड़ी, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो डिटेलिंग है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। आपको जो कलर्स है मेरे सामने, यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं अभी, है ना, जो लाइट है भाई एकदम मेरे फेस पे आ, लेकिन फिर भी इसने काफी अच्छे से इसको कंट्रोल करके रखा है। तो मेरे हिसाब से आज भी भाई साहब 2019 का स्मार्टफोन आज 2022 के एंड के अंदर भी आपका एक तगड़ा साथ निभा सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए पुराने स्मार्टफोन के अंदर कि कैमरा लेंस के ऊपर, है ना, यहाँ पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, विजिबल स्क्रैच, तो आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा ना इफेक्ट कर सकता है। बाकी अगर आप करते हैं कि भाई कैमरा कैसा है, 2019 का स्मार्टफोन 2022 के अंदर भी आपका एक बहुत ही तगड़ा साथ निभा जाएगा। चलिए बात करते हैं भाई डिजाइन के बारे में। ये स्मार्टफोन डिजाइन में दोस्तों काफी ज्यादा डिसेंट है, एक सदाबहार डिजाइन है भाई, क्योंकि आईफोन 11, 12, 13 तो ये पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा सा ना फॉलो किया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भाई कोई कमी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर पीछे वो ग्लास मिलेगा, मेटल का फ्रेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भाई देखो, अगर आप ले रहे हो ना सेकंड हैंड स्मार्टफोन भाई, तो ध्यान रखना कि ये किसी भी तरीके से क्रैक ना हो, कोई तगड़ा स्क्रैच ना हो, कोई तरह का ऐसे गिरने का डेंट ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। बाकी भाई डिजाइन में और बिल्ड क्वालिटी के अंदर यहां पर कोई भी कमी नहीं है। हैंडफिल क्वालिटी भाई, इसका जो साइज है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे आज 2022 के अंदर भी आईफोन 11 को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.1 इंच की IPS रेटिना डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। आईफोन भाई अभी 60 हर्ट्ज में है ना, क्योंकि आईफोन 11 है ये। अगर हम बात करते हैं 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, यानी कि दोस्तों टच एंड स्वाइप के अंदर आपका ना एक बहुत ही मक्खन काम हो जाएगा, आप यहां पर 60 हर्ट्ज को कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आईफोन का 60 हर्ट्ज अपने आप में भाई कोई तरह का लैगी नहीं है, कोई तरह का यहां पर बग नहीं आता है भाई, एक बहुत ही प्रीमियम आपको एक्सपीरियंस देता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर टच एंड स्वाइप के अंदर आपको कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होती है। बेजल्स थोड़े से बड़े हैं, अगर आप बात करते हैं भाई एंड्रॉइड की तुलना में, एंड्रॉइड के कंपेयर में आपको यहाँ पर बेजल्स भाई थोड़े से मोटे मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी दोस्तों डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं ना क्वालिटी की, यहाँ पर भाई कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डिस्प्ले जैसी 2019 में थी ना भाई, बिल्कुल वैसी आज मिलती है। अगर हम बात करें भाई, देखिए यहाँ पर आपको यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे हर एक कंटेंट 4K HDR के अंदर मिल जाएगा, Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, Dolby Vision का, ये दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी बात है। तो डिस्प्ले के अंदर अगर आप बात करते हैं भाई मीडिया वॉचिंग, कंटेंट वॉचिंग की, एंटरटेनमेंट की, आपका भाई कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी विद स्टीरियो स्पीकर्स, तो भाई डिस्प्ले के मामले में नो डाउट ये स्मार्टफोन अपने आप के अंदर बहुत तगड़ा है। और 6.1 इंच की डिस्प्ले बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों आईफोन 11 2022 के अंदर भी आपका एक बढ़िया साथ निभा जाएगा। लेकिन भाई फिर से ध्यान रखिए कि आईफोन आपका डैमेज तो नहीं है, कहीं से भी डिस्प्ले डुप्लीकेट तो नहीं है, आप भाई यहां पर चेकआउट कर सकते हैं।
आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए दोस्तों, वहां पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दी है कि पुराने आईफोन को लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, पुराने आईफोन को चेक कैसे करें, डुप्लीकेट पार्ट को चेक कैसे करें, सारी जानकारी इंस्टाग्राम रील पे मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये डिस्प्ले या फिर ये ना कुछ डैमेज नहीं है, कुछ पुरानी चेंज नहीं है, सारी जानकारी यहाँ पर चेक करके अगर आपका स्मार्टफोन भाई साहब एकदम सही है ना, तो 2022 के अंदर भी आईफोन 11 एकदम बढ़िया काम कर जाएगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों कंटेन करता है A13 बायोनिक चिप, जो कि यार दोस्तों को लगेगा कि यार थोड़ी पुरानी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए यहां पर आपको आज भी है ना लेटेस्ट अपडेट, ये देखिए दोस्तों iOS वर्जन 16.1.2 यानी कि एकदम लेटेस्ट दोस्तों यहां पर अभी चलता है, यानी कि अपडेट देने के अंदर भाई आईफोन जरा सा पीछे नहीं रहता है। और परफॉर्मेंस का तो भाई कोई सवाल नहीं है ना, क्योंकि आईफोन का परफॉर्मेंस और कैमरा इसका कोई तोड़ है ही नहीं, बहुत ही सीधी सी बात है भाई। और हम बात करते हैं गेमिंग की, वीडियो एडिटिंग की, बहुत ज्यादा मक्खन क्वालिटी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए अगर हम बात करते हैं ना बैटरी की, देखिए बैटरी का नंबर आईफोन कभी शो नहीं करता, लेकिन दोस्तों इसके बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। और आप ध्यान रखिए अगर आप एक पुराना स्मार्टफोन ले रहे हो ना, तो कम से कम उसकी बैटरी लाइफ 80% होनी ही चाहिए। अगर 80% से नीचे है ना भाई, तो ध्यान रखिए कि उसकी बैटरी बहुत ही जल्दी आपको रिप्लेस करवानी पड़ सकती है, इस बात का भाई ध्यान रखिए। और पुराने आईफोन को लेने से पहले कौन सी बातें हैं, कौन सी ट्रिक है, उनका आपको ध्यान रखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां रॉक मिलेगी भाई बहुत सारी रील्स आईफोन के बारे में। अगर हम बात करते हैं भाई प्राइस सेगमेंट की, तो आउट ऑफ वारंटी का स्मार्टफोन है ना एकदम बढ़िया चकाचक कंडीशन के अंदर लगभग मिल जाएगा आपको 20-25 हजार के सेगमेंट के अंदर, डिपेंड ऑन कलर, डिपेंड ऑन वेरिएंट, 20-25 हजार रुपए, इससे कम ना इससे ज्यादा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि भाई आईफोन 11 आज की डेट के अंदर भी आपका एक बढ़िया काम करवाएगा, चाहे आप लेते हैं नया, देखो नए में तो फायदा नहीं है भाई, लेकिन सेकंड हैंड के अंदर एक बढ़िया कंडीशन का सेकंड हैंड स्मार्टफोन आपका ना 2022 के अंदर भी एक बढ़िया काम करवा सकता है, ठीक है भाई। अगर आपको चाहिए और वीडियो iPhone 11 की, 12 की, Pro की, XX की, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं स्मार्टफोन को अरेंज करके टेस्ट करके आपके सामने वीडियो यहां पर लाके रख दूंगा, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।